अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करना चाहती हूँ जो आई थिंक हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है टाइम। बहुत सारे लोग न्यू लैंग्वेजेस तो लर्न करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की यही कम्प्लेन होती है कि न्यू लैंग्वेजेस सीखने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं फाइव डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग एप्स, मेमराइज, मॉन्डली, डुओलिंगो, बूसू एंड लिंगो डियर। तो आज की इस वीडियो में मैं ये शेयर करूंगी कि आप किस तरह हर रोज सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये पांच डिफरेंट एप्स में से पांच डिफरेंट लेसन कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप हर रोज 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप बहुत जल्द बहुत सारे न्यू वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी शो यू हाउ यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स क्विकली, इजीली एंड फॉर फ्री, जस्ट बाय प्लेइंग दीज गेम्स फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। तो अब मैं आपसे अपनी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, एंड लेट्स बिगिन। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे फोन की स्क्रीन है एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर लेफ्ट साइड पर टाइम हो रहा है 4:44 PM एंड एग्जैक्टली 4:45 PM पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग दीज गेम्स। सो रेडी, स्टेडी एंड गो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली गेम जो मैं खेल रही हूँ, इसका नाम है मेमराइज, एंड मेरे ख्याल से वो कैब याद करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैंने चाइनीज़ के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक इसी ऐप को यूज़ किया है, एंड अभी HS के लेवल 6 के लिए भी मैं इसी ऐप को यूज़ कर रही हूँ। अभी आपको सिर्फ चाइनीज़ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कोई पिनियन नहीं है, बिकॉज लेवल 6 में कोई पिनियन नहीं होती। इस गेम में सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में आप तकरीबन 7 न्यू वर्ड्स याद कर सकते हैं, और इस गेम की अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप न्यू वर्ड्स लर्न करते जाते हैं, ये आपसे साथ साथ पुराने वर्ड्स भी अक्सर पूछते हैं, ताकि साथ साथ आपका रिविजन होता रहे, ये ना हो कि आप नए वर्ड्स लर्न कर रहे हैं और पुराने भूलते जा रहे हैं। ओके, सो दिस गेम इज ओवर नाउ। तो दोस्तों, अब हम दूसरी गेम शुरू करते हैं। आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्लीज टाइम नोट करते रहें कि अब तक हमने सिर्फ एक ही मिनट यूज किया है। ओके, सो इस ऐप का नाम है मॉन्डली, एंड अब मैं चाइनीज नहीं, स्पेनिश में एक लेसन कंप्लीट करूंगी। बेसिकली ये ऐप फ्री में सिर्फ एक डेली लेसन प्रोवाइड करती है, बाकी के लेसन को यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। मैं इस ऐप का फ्री वर्जन ही यूज करती हूँ एक डेली लेसन कंप्लीट करने के लिए। और लास्ट वाली गेम हमने एक मिनट में फिनिश की थी, बट इस गेम को फिनिश करने के लिए तकरीबन 1.5 मिनट लगता है, एंड तकरीबन 5 न्यू वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा इसलिए भी यूज़ होता है बिकॉज इस गेम में सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, पूरे पूरे सेंटेंसेस होते हैं, जो कि इस गेम की अच्छी बात है, बिकॉज वर्ड्स ज़्यादा इजीली तभी याद होते हैं जब आप उनको सेंटेंसेस में यूज़ होता हुआ देखते हैं। इस ऐप की दूसरी खास बात यह है कि आप हर डेली लेसन फिनिश करने के बाद देख सकते हैं कि पाकिस्तान से और कितने लोग वही सेम लैंग्वेज इस ही ऐप के थ्रू सीख रहे हैं। चलें, तो अब ये गेम भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। लेट्स सी, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। सॉरी, दैट वॉज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओ नो, वेट, वी गॉट इट रॉन्ग, सो इट्स ओके, आई मेड अ मिस्टेक। ओके, सो दिस गेम इज ओवर नाउ। अच्छा, आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पर आपने नोट कर लिया होगा शायद कि अब इस ऐप में मैं जर्मन में एक लेसन कंप्लीट करूंगी, एंड एक्चुअली मैंने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली ये नेक्स्ट ऐप ओपन कर लिया है विदाउट गोइंग टू माई होम स्क्रीन। एनी वे, सो इस ऐप का नाम है डुओलिंगो। आई थिंक ये प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा फेमस ऐप है। बाय द वे, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही कि आप हर ऐप में एक डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करें, मैं सिर्फ वैरायटी के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस शो कर रही हूँ। ऑफकोर्स बेस्ट तरीका यही है कि आप किसी भी एक ही लैंग्वेज में सारी ऐप्स में
हर रोज एक लेसन कंप्लीट करें, खास करके अगर आप सिमिलर लैंग्वेज सीख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, बिकॉज अदरवाइज वोकैबुलरी याद होने के बजाय शायद आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी. सो अब ये गेम भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है. आप नोट करें कि इस गेम को फिनिश करने के लिए भी तकरीबन एक मिनट काफ़ी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप दिन में 10 मिनट या इवन 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते. तो उस सिचुएशन में आप एटलीस्ट एक मिनट तो निकाल ही सकते हैं, तो सिर्फ इस एक ऐप में से एक लेसन कंप्लीट करने के लिए. बल्कि मुझे इस ऐप की बेस्ट बात ये लगती है कि हर रोज़ एक फ्रेंडली रिमाइंडर आता है मेरे फ़ोन में जो मुझे इनकरेज करता है टू फिनिश वन लेसन. सो अगर मैं भूल भी गई होती हूँ तो भी रिमाइंडर की वजह से मुझे याद आ जाता है. सो दिस गेम इज़ ऑल्सो ओवर नाउ. एज यू कैन सी आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स, बट इट्स ओके, हम मिस्टेक से ही लर्न करते हैं. या सो दैट्स इट. अब ये एड्स आ रही हैं, प्लीज इग्नोर. अब इस ऐप का नाम है बोसू, एंड इसमें हम टर्किश में एक लेसन कंप्लीट करेंगे. टर्किश लैंग्वेज भी आजकल पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो गई है, शायद टर्किश ड्रामास की वजह से, बट आई थिंक दैट्स जस्ट वन रीज़न, और भी रीजन्स हैं. एनी वे, सो इस ऐप में काफ़ी सिंपल लेसन्स होते हैं एंड अंदाजन एक मिनट में फिनिश हो सकता है एक लेसन. बट आई थिंक इस ऐप का फ्री वर्जन बहुत ही लिमिटेड है, आधे से ज़्यादा लेसन्स ओपन ही नहीं होते हैं जब तक आप पेड वर्जन ना परचेज करें, एंड पेड वर्जन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. लेकिन इस ऐप में दो ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी ऐप्स में नहीं है. पहली बात यह है कि आप खुद अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि इन सेंटेंसेस को आप डायरेक्टली नेटिव स्पीकर से चेक करवा सकते हैं. तो ये जो एक लैंग्वेज लर्नर्स की कम्युनिटी है, ये मेरे ख्याल से लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही ज़रूरी होता है. तो दोस्तों, अब आप टाइम नोट करें कि 4:45 पर हमने स्टार्ट किया था, एंड इतनी देर में हमने अभी तक चार ऐप्स में चार डिफरेंट लेसन्स कंप्लीट किए हैं, और अब 4:51 हो गए हैं, विच मीन्स अंदाजन 6 मिनट में हमने लास्ट 4 गेम्स फिनिश की हैं. तो अब बाकी का टाइम सिर्फ इस एक ऐप पर स्पेंड होगा, एंड डोंट वरी, मैं जल्द ही बाकी की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, बिकॉज आई नो कि काफ़ी बोरिंग हो जाता है इफ़ यू आर जस्ट वॉचिंग. अच्छा, अब इस लास्ट ऐप का नाम है लिंगो डियर, एंड इसमें हम एक लेसन इटालियन लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे. इवन दो ये लास्ट वाली ऐप सबसे ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये टाइम काफी वर्थ होता है इस ऐप पर स्पेंड करने के लिए. जहां लास्ट फ्यू गेम सिर्फ 1 या 2 मिनट में फिनिश हो गई थी, ये वाली गेम के सिर्फ एक लेसन को फिनिश करने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं. यानी कि जितनी देर में हमने लास्ट 4 ऐप्स यूज की हैं, इतनी ही देर में हम इस ऐप का सिर्फ एक लेसन कंप्लीट करेंगे. लेकिन फिर भी ये ऐप मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि ये ऐप बाकी ऐप से डिफरेंट क्यों है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ऐप में यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस सिखाते हैं जो यूजुअली डेली लाइफ में यूज होते हैं, एंड दूसरा रीजन ये है कि द वे दिस गेम इज डिजाइंड, इट्स डिफरेंट, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे फोकस के साथ इस गेम को खेलेंगे तो बाय द एंड ऑफ द लेसन आपको एक्चुअली सारे न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स पक्के याद हो जाएंगे. एंड पर्टिकुलरली अगर आप इस ऐप को चाइनीज के लिए यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें हर वर्ड को ना सिर्फ पिनियन में सिखाते हैं बल्कि साथ साथ चाइनीज कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस भी होती है, और ये चीज चाइनीज सीखने के लिए बहुत ही मेजर पार्ट है. दूसरी ऐप्स जो हमने अभी यूज की हैं, उनमें चाइनीज कैरेक्टर्स लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है बिल्कुल भी. सो यस फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन स्पेंडिंग 4 to 5 मिनट्स ऑन वन लेसन इन दिस ऐप इज एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग, एंड यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ एंड सी. सो अब बाकी के 2 मिनट्स मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ अंटिल दिस गेम इज ऑल्सो ओवर. So friends, I would encourage all of you to download these few apps and start learning a few new words every single day. I hope you found this video useful, and I'll see you in my next video. Allah Hafiz.